हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष श्रीवास्तव, संतोषी कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक बैंगन की अच्छी सी स्पेशल सी सब्जी बनाकर बताऊंगी। तो सब्जी तो मैंने कई तरह की डाली हुई है अपने चैनल पर, तो आज मैं कुछ अलग तरीके से सब्जी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मैंने बैंगन ले लिए हैं, तो मैंने 4 बैंगन लिए हैं, लेकिन देखते हैं काटने के बाद कितना होता है। तो हो सकता मैं एक हटा भी दूँ। तो इनको गोल गोल आधे इंच के टुकड़े में काट लेंगे और अच्छे से साफ़ करके धो के पोंछ के ही काटा है। तो इसके लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और आप जिसको इसको जितना भी स्पाइसी करना चाहें उतना ले लें, इतने इतने मसाले थोड़े थोड़े। और ये आधी चम्मच मैंने लिया है काला नमक, थोड़ी चुटकी भर हींग डाली है। और इन सब मसालों को हम मिक्स करेंगे और इसमें ये अमचूर पाउडर डालेंगे। बैंगन की सब्ज़ी में अमचूर पाउडर तो काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट में, थोड़ा सा खट्टापन रहता है तो टेस्ट भी अच्छा लगता है। और ये एक चम्मच हम बेसन डालेंगे इसमें, बहुत थोड़ा सा ही बेसन डालेंगे, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे। देखिए मैंने बस एक चम्मच डाला है, हल्का सा सौंधापन लाने के लिए, टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो फिर ये देखिए बैंगन काटने के बाद मैंने पानी में डाल दिया था क्योंकि ये काले हो जाते हैं ना। तो अभी मैं इनको तलूंगी तो इनको पानी बिल्कुल हटा देंगे, पानी से निकाल लेंगे। उसके बाद तवे में थोड़ा सा पैन में तेल डाल देंगे और 1-2 चम्मच तेल डालेंगे। और ये बैंगन जो है इनको हम एक साइड ऐसे रख देंगे और धीमी आंच में इनको हल्का सा फ्राई होने देंगे। और बहुत ज़्यादा अभी नहीं पकाना, वो मैं बाद में पकाऊंगी, हल्का सा फ्राई होने दें ताकि इसमें तेल की कोटिंग हो जाए और हल्का सा एक साइड से फ्राई हो जाए। तो इनको एक एक करके पलट लेंगे, 1-2 मिनट में ही पक जाता है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। और बिल्कुल आँच को धीमा ही रखें, धीमी आँच में ही बनाएँ। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बैंगन की कौन सी रेसिपी बना रही हूँ। तो मैं बैंगन तवा फ्राई रेसिपी बना रही हूँ, बैंगन की जो पार्टियों में बनती है। आपने अक्सर खाया होगा कि पार्टी वगैरह में तवा फ्राई सब्जी सर्व की जाती है, तो मैं वही बना रही हूँ। तो एक तरफ देखिए बैंगन हल्का सा फ्राई हो गया, तो मैंने जो मसाले तैयार किए थे उनको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर से फैला देंगे, अच्छे से कोटिंग कर देंगे मसाले की। तो तेल इसमें लगा हुआ है ना, तो इसमें अच्छे से चिपक जाएगा ये पूरा मसाला। और जैसे कि कई लोग बनाते हैं ना, पहले से कोटिंग कर देते हैं मसाले की, तो उससे क्या होता है कि जब तक बैंगन फ्राई होते हैं तो मसाले फिर जल जाते हैं, तो इसलिए बाद में ही इस तरह से डालें। जो वो मेरी तरीके से बनाकर देखेंगे तो आपको बैंगन बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और हाँ, इसमें मैंने लहसुन भी मसाले में कूट के अच्छे से पीस के डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट, वो स्किप हो गया, तो आप ज़रूर डालिएगा अगर पसंद है तो। अब इसी तरह से देखिए दूसरी तरफ भी पलट कर हम मसाले को ऐसे फैला देंगे इसके ऊपर डाल डाल करके, यानी दोनों तरफ हमें मसाले को अच्छे से फैलाना है। तो ये देखिए इस तरह से फैला देंगे दोनों साइड। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये जो मसाले मैंने डाले हैं ना, इनको हल्का सा कलछी से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं। और इसको दोनों साइड अच्छे से धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे पलट पलट कर। और ये मुश्किल से 5 मिनट में तैयार हो जाती है ये रेसिपी और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी ये देखिए कितना अच्छा कलर दिया है और बहुत ही चटपटी रेसिपी होती है। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया, अब मैं इसको प्लेटिंग कर रही हूँ। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो अभी देखिए ये दाल चावल सब्जी के साथ, मतलब दाल चावल रोटी या पूरी पराठा जिसके भी साथ आप खाएंगे आपको टेस्टी लगेगी ये सब्ज़ी। और बिल्कुल बैंगन सॉफ्ट हो गए हैं तभी मैंने निकाला। इनको पकने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा तो 10 मिनट का, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।